Yes, tell me, how are you? Fine, I'm fine. Fine and good. Nothing but they will join. So, how you spent your Nag Panchami? Yes, sir. Tell me, how? Yes, sir. बधाई है गुड मॉर्निंग सर टुडे विल डिस्कस अबाउट नॉट दिस जस्ट पढ़ाई लिखाई तो जो है ये बताइए कि नाग पंचमी के दिन सिर्फ नाग की पूजा होती है यस सर सो ये तो जो है तो आप सिर्फ नाग की पूजा करते हैं कुछ प्लेज भी लेते हैं प्लेज समझते हैं ना प्लेज यस सर प्रतिज्ञा यस तो क्या लेते हैं चेक मी इन द स्पेलिंग बिकॉज मेरी माय स्पेलिंग इज वेरी वीक आप लोगों ने बताया नहीं थोड़ा सा मैं एक मिनट और रुकूंगा क्योंकि यस अदर स्टूडेंट विल आल्सो जॉइन मॉर्निंग सर वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस मोर Good morning, sir. Good morning to all of you. Sir, the link is written in the message. Sir, what will be written? Tell me. आज इंग्लिश का क्लास नहीं होगा ना सर 5 बजे होगा ना बेटा इसके बारे में मुझे नहीं पता है सो एनी काइंड ऑफ सर लिख के भेजा गया है ग्रुप पे सो एनी काइंड ऑफ न्यूज़ इफ रिगार्डिंग विद एनी क्लास द क्लासेस विल डिस्टर्ब और शिफ्टेड सर मैसेज आया था यस इट विल बी मींस द सर मैसेज आया ओके So this is the first class. So I am asking about पढ़ाई लिखाई तो है ही वो तो है ही तो जरूरी है उसके साथ साथ कुछ और भी बेसिक चीज होती है जैसे आज थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा करना चाहूंगा This is the month of July and the last month which is past of June. So from June to July we have We celebrated a special kind of week. Week. What is known as? इसको क्या कहते हैं? कौन सा week होता है? बताइए. एक मिनट. हाँ बताइए कौन सा week होता है वो? ये rainy season में हम लोग क्या करते हैं? ये होता है plantation week. Is it clear? Plantation week. Sir, mean? आप लोग जानते हैं plantation का मतलब समझते हैं? पौधा लगाना. Yes, वृक्षारोपण. Yes, sir, पौधा वृक्षारोपण. Yes, इसी week में पौधे लगाए जाते हैं. So why we plant a tree? I'll connect to that Nag Panchami with this. So why we plant a tree? सर एटमॉस्फेयर को क्लियर करने के लिए यस टू मेक आ देख रहे हैं ना क्या हो गया सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बाउंड टू लिव इन द हाउसेस सो यू कैन गो आउट द हाउस दोज हु आर लिविंग इन द वी कैन से अर्बन एरियाज रिगार्डिंग द सिटीज एरियाज समवन इज टॉकिंग एंड दिस इज वेरी बैड थिंग So, in this manner, what we will do? We will have to
reside in a house or a home. So in this sense, what? So we have to also plant. If we can't go, we have to plant what? We have to plant saplings in the flower pot. फूल लगा सकते हैं ठीक है उससे भी क्या होता है ग्रीनरी होती है इफ यू कैन प्लांट यू हैव टू प्लांट द व्हाट तुलसी व्हिच इज अ मेडिसिनल प्लांट कुछ पेड़ को लगा सकते हैं क्योंकि सिर्फ तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट नहीं है इट इज आल्सो प्लांट व्हिच गिव्स एवरी टाइम ऑक्सीजन एंड दिस तुलसी इज अ मेडिसिनल प्लांट And it acts like a chyawanprash if you eat in the morning. ठीक है? तुलसी का जो leaves होता है, चाहे मंजरी होती है आगे को उसको eat करेंगे, वो आता है ना तुलसी jolly. और अभी वो इसमें टक्कर क्या? Jolly का जो add होता है, वो immunity power को बढ़ाता है. तो आप लोग उसको ले सकते हैं, काढ़े में भी चाहे वैसे भी आप उसको chew कर सकते हैं. प्लांटेशन हो गया अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम रिगार्डिंग आई टोल्ड यू व्हाट इज द मेन इम्पोर्टेंस टू सेलिब्रेट नाग पंचमी कुछ चीजों को सिर्फ और सिर्फ बुक तक ही मनाते हैं या सिर्फ एक रिलीजियस फिगर तक या रिलीजियस प्रोसेशन या एक बाउंड की तरह मनाते हैं नागपंचमी के दिन नागों की पूजा होती है सांपों की और हम नागपंचमी के दिन सांप की पूजा करते हैं और सारे शिवेश शंकर जी की भी शंकर जी का वो गार्लैंड है ना गार्लैंड का मतलब समझते हैं क्या होता है नो सर क्या होता है गार्लैंड बताइए शिवाने गार्लैंड क्या होता है गार्लैंड आप तो पढ़े लिखे लगते हैं गार्लैंड का मतलब होता है हार और शंकर जी नेक गार्लैंड पहनते हैं किसका गार्लैंड का एक का ना यस सर हर कोई तरह तरह के आभूषण पहनता है शंकर भगवान सरकों का ही माला पहनते हैं अलग है हम गॉड के बारे में बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे मेन चीज स्नेक नाग पंचमी का इम्पोर्टेंस क्या है सिग्निफिकेंस क्या है कि बाकी एक दिन हम पूजा करते हैं बाकी दिन कहीं भी निकलता है इसको मारो मारो नहीं बिकॉज वी हैव टू व्हाट वी हैव टू सेव द क्रीचर्स इन एनी वे ठीक है क्योंकि एवरी क्रीचर विच इज मेड बाय द गॉड हैव एवरी Have a significant purpose. Because if it's okay, if we kill the snake, what will happen? Automatically, the number of rats in the in the fields will be grow up. So we, in that manner, we don't or कोई भी species God ने बनाई है उसके पीछे कुछ ना कुछ purpose है. अब fifth class में जाएं sixth class में कुछ history है. Yes, yes, हम बहुत पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं बस. Endangered or extinct? हम इसी का बात history का बात बता रहे हैं. Endangered or extinct होता है. बस ये चीज. Endangered क्या होता है? और extinct क्या होता है? सर जो लुप्त होने वाले हैं. Yes. जो विलुप्त होने की. लुप्त होने. Alarming stage पर हैं. कगार पर हैं. Alarming stage पर हैं. और जो extinct जो विलुप्त हो चुके हैं. जो विलुप्त हो गए हैं. जो लुप्त हो गए हैं. Extinct. तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हर तीन मिनट में इस अर्थ से एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है हर तीन मिनट पर इसीलिए वी हैव टू व्हाट वी हैव टू सेव द क्रीचर्स वी हैव टू सेव द वर्ल्ड बिकॉज़ वी हैव टू मच प्ले विद दिस एनवायरनमेंट एंड नाउ द एनवायरनमेंट इज प्लेइंग विद अस हमने इतना ज्यादा कर दिया है कि एनवायरनमेंट अब हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है हम एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं द पेंडेमिक और द मेनिंग वी हैव सीन नाउ डायरेक्टली वी कम टू द पॉइंट फ्रॉम लिटिल बिट आई गिव द जनरल नॉलेज बिकॉज़ समबडी सेज एसएसटी से ज्यादा जो एप्रोप्रिएट है सोशल साइंसेस के लिए है
जो हम यूज करते हैं. तो राइट नाउ वी डायरेक्टली कम टू द पॉइंट एंड द पॉइंट इज दिस. सर हम लोग अपने आप को म्यूट कर लें. यस मैं म्यूट करता हूँ. आप लोग अपने आप को म्यूट करें. नहीं करेंगे तो मैं म्यूट करूंगा. कहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है बताइए. एक चीज आपसे सबसे पूछनी है उसके अंदर म्यूट करता हूँ. आपने आज मैं एक हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कर लिए हैं. यस सर. कोई ऐसे भी बच्चा है जो मुझसे शेयर करेगा जिसने नहीं किया तो मुझे बताएगा. सुरेश सर कर लिए हैं. वेरी गुड. कर लिया है. और ज्योग्राफी में दोनों लेसन में कर लिए हैं. यस सर. वेरी गुड. यस सर कंप्लीट दिस. और स्विच में फर्स्ट लेसन के सर हिस्ट्री में. यस सर फर्स्ट लेसन सिविक्स में भी हो गया है. सिविक्स में आज हम सेकंड लेसन आपको दे देंगे. हिस्ट्री में का भी फर्स्ट लेसन हो गया है. ठीक है. सिविक्स में यस सर सेकंड लेसन. तीनों का फर्स्ट लेसन हो गया है. सिविक्स में जब सेकंड लेसन को आप देखेंगे बेटा तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें तीन ही क्वेश्चन हैं. तो पहला तो मैच द फॉलोइंग है और दो मेन क्वेश्चन है. उसके बाद से एक क्वेश्चन जो है और उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है वो दोनों के दोनों डिस्कशन के हैं. ठीक है. तो आज हम आपको तीनों क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर करा देंगे. ठीक है. मतलब सेंड कर देंगे. सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट एसपीएल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लेसन नंबर 2. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सर इसका वर्ड मीनिंग नहीं है. यस सर. प्रियांशु मिश्रा इज आस्किंग अबाउट वर्ड मीनिंग. बेटा ऐसा है ना कि अब मैं वर्ड मीनिंग कराने को तो कराऊंगा लेकिन उस तरह से कराऊंगा तो बहुत टाइम लगने लग जाएगा. हाँ आपको पर्सनली जो वर्ड्स नहीं आते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं. सर तो हम लोग का वर्ड मीनिंग नहीं होगा सेकंड चैप्टर का. नहीं अब सिक्स क्लास से वर्ड मीनिंग नहीं होता. डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर होता है और लेसन होता है. क्योंकि सिक्स क्लास से आपने तो हम लोग चैप्टर सेकंड लिख के और क्वेश्चन आंसर लिखिए. हाँ हाँ मैं दूंगा आपको. और एक दो आपको और जो है कि लेसन में से in the lesson if you found a such kind special kind of definitions so you have to write it. Like what two kinds of definition. Okay sir. So aap question answer likhwaiye hum log use fair copy par note kar le rahe hain chapter yes, second. Yes today I will give you the definition of stereotype and prejudice. Is it clear to all of you. Yes sir. Sir group par send karenge na. Yes I will send yes, in the group. Okay sir. सॉरी बेटा आई एम नॉट लिसनिंग. सर लिखवाइए क्वेश्चन आंसर. मैं लिखवाऊंगा नहीं सीधे पे भेज दूंगा. चलिए लेसन कहाँ से पढ़ना है बताइए मुझे. सर अ चेंजिंग एनवायरनमेंट पे पढ़ना है. चेंजिंग अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये समझ में नहीं आता है जो हम जो स्टडी करते हैं. नो सर. प्रियांशु मिश्रा हमारे ब्रदर का क्या हुआ. निखिल मिश्रा ही हैज टेकन द एनरोलमेंट. नो सर. सर 9 o'clock होते हैं सो जाते हैं. वेरी गुड. चलिए a changing environment. So when we talk about the changing environment, so when we have talk about the Mesolithic period, agar aapke aas paas mein awaaz aa rahi hai to please mute it, otherwise right now I'm going to mute and I will give you the last 10 minutes to ask the questions. As much as a student you have to join. Baat hai nahi. वीडियो रुक रुक नेटवर्क प्रॉब्लम होगी.
चलिए ध्यान दीजिए, मेसोलिथिक पीरियड, फ्रॉम दिस मेसोलिथिक पीरियड व्हाट विल हैपन, एंड दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम नियर अबाउट 12,000 इयर्स अगो, ड्यू टू दिस पीरियड द एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी चेंज्ड, मींस अर्लियर देयर वाज अ एक्सट्रीम टेंपरेचर ऑफ व्हाट, टू मच कोल्ड, सो But from this period, now that temperature is going to be a little bit mild. So when the temperature is going to be mild, when we talk about the word mild, the mild means what? It's mild means not too much cold, not too much cold. So in this condition, the vegetation is growing up, means the grasses will grow up. So when the grasses will grow up, automatically the number of cattle in the sense of antelopes were growing. So when the antelopes, or we can say the deers, the antelopes is growing automatically, this was a great and a significant change all around it. So this is the condition regarding with this. And now it's will give the ample amount of things to all. So now regarding this, sir. Yes. Sir, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं आ रहा है. बोला तो ये physics पढ़े. Keep quiet. Sir. बोलिए कौन बोल रहा है? Extreme. एक्सट्रीम पहले बताएं, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम का मतलब बहुत हार्श, हार्श माने कि बहुत कड़ा, कड़ा माने कि yes. दो सेंस में, या तो हॉट yes, होगा नहीं तो कोल्ड होगा, ठीक है? दोनों ही कंडीशन में एक्सट्रीम टेम्परेचर है. तो देखिए, दोनों ही कंडीशन में चीजें जर्मिनेट नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रिज में देखते हैं, ठीक है? तो फ्रिज में एक फ्रीजर पॉइंट होता है जहां पर टेम्परेचर बहुत जीरो होता है. तो वहां पर भी आप चीजें रखते हैं तो चीजें खराब नहीं होती. और एक होता है बहुत गर्म, जब 100 डिग्री पर बॉयल करते हैं तो बहुत ज्यादा भी गर्म होता है, तभी क्या होता है, जल्दी चीजें क्या होती है, बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है. तो इस कंडीशन का मतलब यह है कि कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श थी, और बहुत ज्यादा हार्श होने की वजह से जो है कि क्या है, कुछ भी चीजें जर्मिनेट नहीं कर पाती थी, ग्रो नहीं कर पाती थी. लेकिन इस दौरान क्या हुआ है कि माइल्ड टेम्परेचर हुआ है. तो माइल्ड माने कि नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, ये हुआ है लिनियर अबाउट मेसोलिथिक पीरियड, द राउंड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड. सो इन दिस पीरियड व्हाट विल हैपन, नाउ द वेजिटेशन इज ग्रोइंग. सो व्हेन द वेजिटेशन इज ग्रोइंग, नाउ द अर्लियर the antelopes or the deers which will not get the ample amount or in the suitable amount of food, now they will getting. So when their number will increase, the herbivores animals will increase automatically. The carnivores animal will also increase, because all the things are dependent on food. बेटा ये आपको दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर हमको पूरा दिख रहा है, तो प्लीज आप लोग ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए. क्लियर? नाउ द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग, द बिगिनिंग ऑफ इट इज, ये समझ आ गया सबको? यस सर. द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि किस तरह से फार्मिंग और हर्डिंग, यस, कि किस तरह से बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग,
Beginning of farming and herding started. Beginning, शुरुआत कैसे हुई farming की? The farming is also related to agriculture. Here, so right now, the two processes we have passed, the hunting and gathering. Because earlier they started hunting, and after killing that animal, he gathered the animals. And in this process, when we talk about this, listen, it is also related when we talk about the farming. The farming is also related with gathering, because the early men don't know how to grow. वो ग्रो करने में हार्वेस्टिंग मतलब क्या चीज हार्डिंग 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 अभी बताएंगे पहले हम फार्मिंग पे डिस्कस करेंगे उसके बाद हार्डिंग पे हार्डिंग को एकदम बताएंगे पहले फार्मिंग मतलब कि खेती करना यस फार्मिंग इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द एग्रीकल्चर इज रिलेटेड इन द खेती बाड़ी खेती में बाड़ी शब्द लिखा है तो बाड़ी को बाड़ी अगर हटा दे तो एक शब्द बनता है बाड़ा ठीक है जब बाड़े का इंग्लिश बनाते हैं तो बनता है फेंस तो फेंस माने कि कोई भी फील्ड है मान लीजिए तो उस फील्ड के बगल में अगर हम फेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा एनिमल विल डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप्स ठीक है सो दैट्स व्हाई वी यूज खेती प्लस व्हाट बाड़ी क्लियर एग्रीकल्चर Agriculture is the same thing. When we talk about the farming, farming is related to the agriculture. This word is the synonym of the farming. So starting with this, now I Sir. Try to listen. Now I'm Sir. Listen. Now, मेरी बात सुन लीजिए उसके अंदर सबकी बात सुनूंगा बस ये farming वाला concept clear कर दूं और वो भी gathering वाला. Earlier the early men don't know how to produce. So when the early men listen. एक कौन बालक है जो बात कर रही है क्यों नहीं मानते हैं आप लोग बहुत गंदे हैं आप लोग लिसन So, एक मिनट कौन बात कर रहा है ये मैंने कहा है कि बात नहीं करने आप लोग बात कर रहे हैं खूब जिसके आसपास आवाज आ रही है वो बंद कर ले Now listen. So the early men started farming, and earlier the farming is just related with gathering because earlier he don't know how to grow. So that's why he just collected the crops which grow automatically. Or automatically in the sense that they were growing by own. वो अपने से ही क्या करते थे grow करते थे क्योंकि उसको growing नहीं आता था वो खेती बाड़ी नहीं करता था लेकिन उन plants को उन cereals को उन crops को वो सिर्फ और सिर्फ harvesting type में क्या करता था harvesting time में cut कर लेता था उसको gather कर लेता था ठीक है but later what will happen what the early man started farming and the farming is right now related with growing ki wo ab grow karne laga hai usko pata chal gaya in which time they have to what he have to do he have to show the plants ko kab usko show karna hai kab grow karna hai aur baki cheeza kab usko harvest karna hai and not only it's a very easy process it will take near about much time to start or to understand with the agriculture ha kya puchna chahte hain koi puchna chahta hai sir brain ko samajh gaya
क्या चीज नहीं सर, क्या चीज सॉरी मीनिंग हार्डिंग के ऊपर आ रहे हैं, फार्मिंग को डिस्कस करके हार्डिंग को ध्यान से देखिए। हार्डिंग इज रिलेटेड विद टेमिंग और वी कैन से डायरेक्टली मोर एप्रोप्रिएट वर्ड इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन कौन बात बोल रहा है भाई, बोलिए क्या बोल रहा है सर, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं। सो हार्डिंग इज रिलेटेड टू डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का सिंपल और हिंदी मीनिंग, हाँ बेटा जब कह रहे हैं बोलने को तो आप बोल रहे, बोलिए। पशुपालन को मतलब क्या चीज, सो मतलब अरे बेटा जब क्या होता है कि जब हम जैसे धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो उसके सीड्स को क्या करते हैं, शो करते हैं, बोते हैं, ठीक है, शोइंग होता है, हीटिंग होता है, कई टाइप होता है, ठीक है, तो वही है। थैंक यू सर। नाउ सो डोमेस्टिकेशन और हर्डिंग इज रिलेटेड विद पशुपालन। नाउ दे स्टार्टेड एंड दे हैव जॉइंड द थिंग्स फार्मिंग प्लस हर्डिंग because the stocks or we can say the farming by the crops or the cereals which they cut, after cutting they will got what, fodder, and fodder the hay is related with wheat fodder, jo bhusa hota hai na, to bhuse ko collect karta tha, matlab farming jo hai totally and totally hoarding se kya tha attached tha, kyunki क्रॉप्स जो निकलती थी तो क्रॉप्स को एनिमल को भी खिलाता था, वो क्रॉप्स का जो स्टॉक होता था, जो है मतलब कि डंठल होता था, उसको वो एनिमल्स को क्या कर रहा था, सर वीडियो नहीं आ रहा है अगर आपके यहाँ वीडियो नहीं आ रहा है सर, आने लगा तो आएगा ही, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं समझते इसको, ठीक है, तो ये हो गया, ये समझ गया। और इसके लिए उसने जानवरों को पालना स्टार्ट किया है, एंड द फर्स्ट टेम्ड एनिमल और द डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज व्हाट, डॉग, एंड दिस डॉग विल कीप द व्हाट, to look after their what, crops, उसकी crops की देखभाल ही कर रहा था। फिर उसने धीरे धीरे उन जानवरों को पाला जो wild नहीं थे, जो mild थे, जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। In that sense, he also tamed those animals which gave him milk, meat, wool, and the another products. So the domestication is also clear. Now a new way of life, clear hai, aap samajh sakte hain na, new way of life, isme kuch doubt hai aapko, lesson ko ek baar zarur padh lena, a new way of life, new hobby, new way, a new way of life. I think at this point, after this point, I will give you the chance to ask the question. But right now, I will complete this. Then, a new way of life. When we talk about the new way of life, in this sense, a new way of life means how the crops
आर रिलेटेड विद अ न्यू वे ऑफ लाइफ. मोस्ट प्रोबेबली यू हैव सीन व्हेन वी यूज द क्रॉप्स means the crops is related with the seeds. Take the example of rice, the millet. In Hindi, basically it's jaw. And the rice is related with chawal. The Sanskrit word of jaw is yav. I don't know to write, but I have written. The chawal, because it is all related with this, what, the brihi word. Clear? So this, when we talk about the you can understand with the example of the rice. In the ceremonies and in the functions basically related with marriage, or in the religious ceremonies, any anusthan or yagya which will happen, which will occur in your homes or the houses, you will see the priest will offer you what, some kinds of rice in your hand, achat, in the name of achat, and it will keep you. Or not only this, these seeds are the essential part of our life, right? Because what, food is necessary for our life. So in this sense, many things are what, related to it. And not only this, when we talk about the growing food, and the growing food is related to the agriculture. The agriculture not only just related to growing food. The agriculture gives the early man a settled life, because earlier the early man always nomad, he roamed here and there in search of what, in the search of food. So in the search of food, first of all he hunt, then he gathered. Clear? So this one, so this means the agriculture give him the proper time, means at the time they have to sow their plants, then what, watering. Aisa to nahi hai ki usne plant ko grow kiya aur plant ko grow karke chala gaya, then what, the plant, then at the watering, use plant ko kab pani ki zarurat hai, then we started weeding. At which time they have to bring out the weedicides, usme se jo kharpatwar hai usko kis samay pe usme se nikalega, and then planting, watering, weeding, and what, harvesting. Aur uska time pe, proper time pe usko katna hai, nahi to pata chala khet mein hi fasal kya hai, jhad jayegi, gir jayegi. Clear? Is it clear? PM. Shri, are you understanding? Are you listening to me, Shreya? So right now, this one is cleared, and today I'm going to unmute to all. If you have any doubt, you can ask the questions with this. So, sir, what is domestication? Domestication is related to the harvesting. Nobody will interrupt others. I am telling. The domestication is related with to tend the animals, means domestication related with how to tackle the animals. मतलब उसने खेती बाड़ी के साथ साथ जानवरों को, एक मिनट रुक जाइए, एक को खत्म करने दे उसके बाद, कि उसने किस तरह से खेती बाड़ी के साथ साथ जानवरों को पालना चालू किया.
डोमेस्टिकेशन उसी से रिलेटेड है। जैसे आप गांव में देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं और जानवर भी पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। कौन बोल रहा है सर? ये बोलिए कौन है? अरे बेटा एग्रीकल्चर मींस, एग्रीकल्चर इज रिलेटेड विद खेती। खेती समझते हैं ना? खेती समझते हैं? दैट गर्ल सत्येंद्र, क्या नाम है आपका? आपको खेती तो समझते होंगे कि नहीं समझते हैं? ये श्रेया समझा गया? श्रेया मैम वीडियो नहीं आया। यस सर समझा गया ना आपको? डोमेस्टिकेशन खेती के साथ साथ जो जानवरों को पालना है वही डोमेस्टिकेशन है, जिसको हॉर्डिंग के नाम से भी जानते हैं। एग्रीकल्चर सर, वहां लिखे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहीं स्पेलिंग गड़बड़ भी हो सकता है लिखने में, एग्रीकल्चर ही तो लिखे हैं, क्या गड़बड़ है? अब बताइए और कुछ? और बच्चों को किसी को पूछना है पूछ सकता है? सिर्फ बात करते हैं आप लोग। एंड सर व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? आई हैव रिटन द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट एग्रीकल्चर, खेती। या अनदर वर्ड इज एप्रोप्रिएट वर्ड इज कृषि। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड कृषि सर। मोरिंग मींस कृषि, कृषि कृषि नहीं, इंग्लैंड इंग्लैंड से आए हैं, टेक्सास से हैं। क्या कृषि नहीं समझते हैं? या कृषि बोल रहे हैं तो कह रहा है कृषि सर, कृषि। तुम बहुत फिल्में देखते हो, पहली बात तो तुम हिल गए हो, कोई मिल नहीं गया है तुम्हें कोई हिल। और बताइए कृषि नहीं समझते हैं? और बताइए और कोई? शिवांगी आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अनुष्का कुशवाहा? सर मुझे नो सर। कौन बोला है नो सर? Who is telling about no sir? No मने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No sir. शेष गुप्ता, अंजलि यादव, अविनाश सिंह, सब आप बच्चे सुन रहे हैं ना? क्लास समझ में आती है? सब सर। हाँ बोलिए। सब मॉरिंग, सब मॉरिंग्स। मॉरिंग्स, मॉरिंग कोई वर्ड कहाँ लिखा? अरे मॉरिंग नहीं है ये, मैरिज है, मैरिज। 2% मैरिज, मैरिज MARRIAGE मैरिज। मैरिज मने की शादी, विवाह। शादी विवाह में होता है ना ये अनाज का प्रयोग, सीड्स का। पंडित जी आपके हाथ में अच्छे देते हैं, या हो सकता है कि बहुत से कास्ट में या रीजन में। खिचड़ी भी प्रयोग होता है। क्या होता है? खिचड़ी सर, खिचड़ी में भी राइस को छुआ जाता है, उसमें कॉइन डालते हैं। हाँ हाँ वो तो है ही। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो रिलीजियस सेरेमनीज है, जो अच्छा ये बताइए जो दुर्गा माता का कलश रखते हैं, दुर्गा माता का जो कलश रखते हैं उसमें मिलेट लगता है ना, जौ लगता है, जौ। हाँ कलर्स